मैंने आजकल कल कर नोटिस करी कंपेयर टू पहले से और अभी में ना लोगों का मुझे लगता है ना मेंटल हेल्थ पे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है अफेक्ट हो रहा है पहले के लोग ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग होते थे और अभी ऐसा लग रहा है काफ़ी लोग इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं रह रहे तुमको लगता है कि क्या उसका रीज़न कहीं ना कहीं इंटरनेट और सोशल मीडिया पड़ रहा है आई थिंक रिलेशनशिप में भी हम देखा जाए या कहीं पर भी इन जनरल लाइफ में देखा जाए तो हम लोग हम लोग का जनरेशन नरम होते जा रहा है मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग बहुत नरम हो गए आपने देखा भी होगा कई सारे रील्स कि जो पहले नाइन्टीज़ नाइनटीन नाइन्टीज़ या उसके पहले के जो किड्स थे उनके माँ बाप उनको चप्पल जूते मार रहे ऐसा कि बेहोश हो जा रहा है बच्चा बट फिर भी वो बच्चा स्ट्रांग मतलब है उसके बाद टू टू थाउजेंड के जो किड्स हैं उनको थोड़ा सा मार दिया और लोग थोड़ा सा थोड़ा रिएक्ट करके कर रोने लग गए और अभी के बच्चे वो लोग को सिर्फ चिल्ला ही दिया और वो लोग रोना चालू कर दिया और शायद से आपको भी मारने लग गए <laughs> ये चेंजेस आ चुके हैं कई बार पेरेंटिंग में भी मेरे सबसे चेंजेस आ गए हम लोग है ना एज अ सोसाइटी मुझे ऐसा लग रहा है वीक होता जा रहा है क्योंकि हम लोग हर चीज़ का ना बवाल करने लग गए हम लोग हर चीज़ में ना यू माई गॉड ये क्या हो गया बच्चा गिर गया तो वो माई गॉड बच्चा गिर गया ज़मीन को मारो ये सारी चीज़ें बहुत है ना बच्चों को वीक बना देती है हम है ना बच्चों को इंडिपेंडेंट नहीं बना रहे हम क्या कर रहे हैं ना बच्चों को तो मैं सिर्फ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ हम लोग एक दूसरे के लिए भी ना बहुत ज़्यादा एम्पेथेटिक हो गया क्योंकि शायद से मे बी हमें अपने बचपन में उतनी एम्पति नहीं मिली तो हम लोग ना उसको ओवर कम्पनसेट कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए या अपने आसपास के लोगों के लिए जो मुझे लगता है नहीं सही है इसके ऊपर एक बहुत अच्छा कोड भी है कि जो ग्रेट नेशंस होते हैं ना दे आर बॉन्स स्टॉइक एंड दे डाई एपिक्यूरियन मैंने इसके बारे में कई बार बात किया कि जो जब बुरा वक्त आता है ना तो वो बुरे वक्त से ही एक अच्छा देश बनता है एक अच्छे लोग या स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स बन के निकलते हैं लेकिन जब अच्छा वक्त आ जाता है ना तो सब कम्फर्टेबल हो जाते हैं सब वीक हो जाते हैं और वहीं से ग्रेट नेशंस डाए या फिर ग्रेट लोग भी एकदम आराम कंफर्ट जोन में बेसिकली चले जाते हैं और लोग नर्म हो जाते हैं आजकल देखो हमारे मां बाप थे तब टाइम्स वर डिफरेंट तब टफ टाइम था तो है ना छोटी मोटी चीज़ों पे तो फोकस करने का टाइम ही नहीं था बट आज ऐसा है ना ऊपर वाले का कर करम है कि हम लोग अबेंडेंट लाइफ जी रहे हैं हमारे लाइक एक क्लिक करो खाना आ जाएगा सस्ते में आपको दस चीज़ें मिल जाएगी आप रोड पर चले जाओ शॉल सॉल्ट शुगर एंड फैट जो चाहिए वो सब इजीली मिल जाएगा तो ये खाना ये लाइफ जो मोबाइल पर भाई चीप डोपामिन का रश लेना मोबाइल देखो, देखो देखते रहो और डोपमिन हिट लेते रहो या फिर अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते रहो ये सारी चीज़ें मिला मिला के ना हमें कहीं ना कहीं वीक बनाते जा रही है और ये वीकनेस हर जगह दिखती है फिर वो वीकनेस ऐसे नहीं है वो सिर्फ आपकी लाइफ में आपके गोल्स की तरफ ही नहीं दिखेंगे बल्कि दूसरों के लिए भी दिखेंगे आप वीक हो तो आप दूसरों को कैसे बोलोगे कि तू स्ट्रांग बन समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ हम नहीं अपना लेवल हम सब इंक्लूडिंग मी ऑल्सो हम सब लोग ने अपना लेवल ना गिराते जा रहे हैं मोबाइल का यूज़ करके सोशल मीडिया का यूज़ करके गंदी डाइट कर करके और ऐसी चीज़ों पर फोकस कर करके जिस पे फोकस नहीं करना चाहिए हम सबको सही चीज़ों पर अपने गोल्स पर टफ़ चीज़ों पर फोकस करना चाहिए तभी हम टफ़ बनेंगे अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए बेसिकली और यही सब चीज़ें जब सही होगी तो मुझे लगता है हम ग्रो करेंगे लाइफ में ये मैंने बहुत टाइम से नोटिस करी कि एक बच्चा गिर गया तो पेरेंट्स जो होते हैं वो यूजुअली नीचे ज़मीन पे मारने लग जाते हैं बट अब वो ये नहीं समझते कि बच्चा एक लाइक एकदम प्ले एकदम खाली कागज़ है तुम तो अगर उस वो गिरा है अपनी गलती से गिरा है बट अगर तुम वहाँ पर ज़मीन को मारने लग जाते हो तो ये लगने लग जाता है ज़मीन की गलती है तो बच्चों को भी ये लगने लग जाता है जब भी बड़े होते हैं और उसके बाद अगर उनकी गलती से भी कुछ खराब हो रहा है right, exactly. तो ना वो बचपन से ही हमारे अंदर होती है right. और ये इफेक्टिव पीपल बुक का याद आ गया पहला लेसन था, था उसमें hmm. दूसरा या बाद का ही लेसन था टेक हंड्रेड परसेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ बे रिस्पांसिबल एक्चुअली प्रोएक्टिव ही वो था कि उसमें प्रोएक्टिव ही सेकेंड लेसन ये निकला कि आप ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो मैक्सिमम लोग हैं ना मुझे लगता है जिंदगी में आगे नहीं पढ़ पाते हैं ना क्योंकि वो लोग रिस्पॉसिबिलिटी नहीं लेते किसी भी चीज़ की लाइक like, वो गरीब है तो वो ब्लेम करना चालू कर दें मैं गरीब हूँ यार क्योंकि यार गवर्नमेंट अच्छी नहीं है क्योंकि मेरे बाप के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो मुझे बिजनेस करने में इन्वेस्ट कर सके या फिर वो मुझे इतना पढ़ा ही नहीं पाया कई सारे लोग ऐसे होते हैं इंडिया में शायद इतने नहीं होंगे बट मैं देखता हूँ कई सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं या गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं अपनी सिचुएशन के लिए किसी ना किसी को पकड़ लेंगे उसको ब्लेम करेंगे देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि शायद आपके हो सकता है आपके पेरेंट्स खराब हो, हो सकता है गवर्नमेंट खराब हो मानता हूँ मैं बट क्या कर सकते हो आप उसके लिए कब तक रहोगे यार कब तक रहोगे आप उठो अब उसके ऊपर कुछ काम करना चालू करो ट्रस्ट में मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें अचीव करी ना वो तभी अचीव कर पाया जब मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू करी कि यार ठीक है जो होगा सो होगा मैं अपने लिए बिजनेस खड़ा करता हूँ हमारा केस चल रहा था मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मेरी लाइफ में पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें हुई है जिससे मैं पहले पहले मैं सोचता था कि हमारा केस खुल जाएगा हमें दुकान मिल जाएगी दुकान से ये हो जाएगा वो हो जाएगा मतलब कहीं ना कहीं सोच रहा था मेरी गरीबी का रीज़न ये केस है उसकी वजह से मैं गरीब हूँ जब तक मेरी वो मैंटेलिटी थी मैं ग्रो नहीं कर रहा था बट जब मैंने डिसाइड कर लिया कि यार केस गया भाड़ में मैं खुद से अपना इतना पैसा कमाऊँगा मैं खुद से घर खरीदूँगा खुद से मैं दुकान बनाऊँगा जब वो मैंटेलिटी आई तब मैंने क्रिएट करना स्टार्ट किया और आज थैंकफुली मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली बिकॉज उस रिस्पॉन्सिबिलिटी ने मुझे एज़ अ पर्सन ग्रो किया और मेरी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें मुझे अचीव करा के दिया तो so, ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आगे इन रिलेशनशिप में भी मुझे लगता है ना ये रिस्पॉसिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है कि ठीक है हमने स्टार्ट तो इस चीज़ से किया था कि यार हमें एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए बट कई बार हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए सामने वाले को खुश करने की या फिर सामने वाले को अच्छा फील कराने की मैं नहीं बोल रहा कि हमेशा करते रहो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में ऐसा नहीं है कि हंड्रेड परसेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके मूड का आपके ऊपर नहीं लेना है आपको एकदम ही गलत है लेकिन जितना आप रिस्पॉसिबिलिटी लेकर रिलेशनशिप में अपने को इंप्रूव करने की कोशिश करोगे उतना दोनों के लिए बेटर होएगा बेसिकली एक ग्रे एरिया में चलना होता है ये तो है एक्सट्रीम में नहीं जाना है यानी कि हमें पता होना चाहिए कब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मूड सही करना और कब स्पेस यही मेचोरिटी है right, exactly, एक्चुअली exactly. मैं मेचोरिटी इसी को बोलते हैं कि ना आपको मेचोरिटी वर्ड इज मेचोरिटी मेच्योरिटी ये कब आपको बोलना है कब नहीं बोलना नहीं है, है।, है कई बार लोग स्मार्ट बनने की बहुत कोशिश करते हैं दे ऑलवेज ट्राई टू एक्ट स्मार्ट कि मेरे को ये पता है ये पता है मैं ये बोल दू वो बोल दू ये रिलेशनशिप में भी बहुत होता है कि आप सिर्फ बोलते रहते हो लेकिन ना एक मेच्योर इंसान है ना जानता है कि उसको कब बोलना चाहिए और कब नहीं बोलना चाहिए एक गौर गोपाल दास का ना एक कोर्ट था मुझे बहुत अच्छा लगा था उन्होंने ये चीज़ बोली थी डोंट स्पीक अ वर्ड अनलेस दैट वर्ड इज़ मोर पावरफुल देन अ साइलेंस क्योंकि कई बार है ना आप नोटिस करना हम जब सिचुएशन में रहते ना चुप रहना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कई बार अगर गुस्सा हो रही है मैंने खुद रिलेक्स करा हमारे झगड़े में भी कई बार क्या हुआ कि अगर मे बी सायरा गुस्सा हुई या मैं गुस्सा हुआ तो चीज़ें ना डबल ट्रिपल ख़राब तभी होती जब हम दोनों चुप नहीं होते <laughs> हम दोनों बोलते है रहते हैं बट मेचोरिटी यही है कि यार चुप हो जाएगा एक इंसान एक इंसान चुप हो जाए और सुन ले पेशेंस से सुन ले और थोड़े टाइम बाद सामने वाले खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था ऐसा नहीं बोलना चाहिए था बट प्रॉब्लम हो जाती है ना हमारे अंदर वो मेचोरिटी कई बार नहीं आ पाती कि चुप हो जाए वो साइलेंट साइलेंट रहने की ताकत ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कब साइलेंट रहना यह बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हर चीज डिपेंड करती है कि हाँ इसको अभी लोग ये ले सकते हैं कि कम्युनिकेट करने बोलते हैं कभी साइलेंट रहने बोलते हैं इट डिपेंड्स सिचुएशन पे ये, ये डिपेंड बहुत करता बहुत अच्छा है। तुमने एक पॉइंट रेस किया क्योंकि कई बार आप लोग ऐसे चीज में कन्फ्यूज रहते लोग कि अभी तो आपने बोला यार कम्युनिकेट करना चाहिए अभी आप बोल रहे हो कि साइलेंट रहना चाहिए और कब कम्युनिकेट करना चाहिए ये डिपेंड करता है सिचुएशन हाँ और इसके लिए वही वो वो अगेन गौरगोपाल कोर्ट है ना आपको पता होना चाहिए कि आपको कब बोलना है कब नहीं बोलना है जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ अगर मे बी मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ और सायरा बोल रही है बट मेरे दिमाग में गुस्से ही नहीं है वो बात तो बैटरी येगा सायरा चुप हो जाए या फिर वॉइस वॉस अगर सायरा बहुत ज़्यादा गुस्सा है और मैं उसको समझा रहा हूँ लॉजिकली अपना हर एक दिमाग लगा के हंड्रेड सही बात बोल रहा हूँ मैं मेरे लिए या उसके लिए भी उसके लिए भी मुझे पता है हंड्रेड सही बात है बट अगर अभी वो सुन रही नहीं है तो मुझे लगता है ना बेस्ट मेरे लिए भी ऑप्शन ये कि मैं चुप हो जाऊँ और जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए देन आई कैन स्पीक उसके मतलब, बाद कम्युनिकेट हाँ बेसिकली प्रॉब्लम यह ना कि हम लोग कई बार ना सिर्फ अपने इमोशन निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक डिफरेंस है एक होता है बोलना और एक होता है एक्चुअल में बोलना ताकि आप समझा सको कई बार लोग सिर्फ बोलते हैं निकालने के लिए सिर्फ वामिट करने के लिए हमारे अंदर जो भरा हुआ है वो सिर्फ निकालने के लिए कई बार बोल रहा होता है वो वॉम कैथारसिस जिसके बारे में हम कई बार बात भी करें साइकोलॉजिस्ट लोग भी इस चीज़ का यूज़ करते हैं कि कई बार लोगों के अंदर बहुत चीज़ें नेगेटिविटी भरी पड़ी होती है आई थिंक जब वो भरी पड़ी होती है और सामने वाला कभी नेगेटिविटी वो, वो वामिट कर रहा है ना तो वो टाइम पे आई थिंक आपको चुप हो जाना चाहिए लेट हिम वॉमिट क्योंकि वो गंदगी उसकी निकल रही निकल लेने दो एक बार निकल के उसको खुद ही अच्छा लगे आप खुद ही उससे बात करोगे तो वो ज़्यादा रिसेप्टिव भी रहेगा और ये चीज़ समझने में काफ़ी टाइम लगता है और ये चीज़ अभी अभी भी हम समझ रहे हैं अपने रिलेशनशिप में और बट ये चीज़ें ना सच बोल रहा हूँ मैं काफ़ी रिलेशनशिप बचा सकती है कब बात करना है कब छुप होना है कब अपना ओपिनियन देना है कब नहीं देना है कब सामने वाले को समझना है कब समझाने की कोशिश करनी है ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है जिससे आपका रिलेशनशिप रुके टिका रहेगा या ख़त्म हो जाएगा सही बात अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार जाके देखो डिटेल में चीज़ों को समझो तब तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से आप अपनी जिंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे थैंक सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल